वाओ, दिस इज दी आरओ वैली। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकती, इन्होंने रोड ऐसे बंद किया है खुद, तो इससे आगे पैदल जाके मैं खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा, जगह ढूंढने की कैंपिंग के लिए। और इसके सामने एक होटल भी है, लैवेंडर पार्क आरू, और ये रहा वो होटल, और ये उन्हीं का पार्क है, फेंसिस लगी है जहाँ तक। सो द थिंग इज, अब हमें ढूंढनी अपने लिए यहाँ पर आरू में सेफेस्ट एंड ब्यूटीफुल जगह अपनी कैंपिंग के लिए, तो हम वही ढूंढने जा रहे हैं। तो वहां से आने के बाद हमने देखा यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है जो कि प्रोबेबली शायद इस साइड से आई है, पता नहीं कैसे। और ये जगह परफेक्ट है कैंपिंग के लिए, बट द प्रॉब्लम इज हमें पता नहीं ये जगह सेफ है या नहीं, ऊपर से जानवर आते हैं रात को कि नहीं, ये पूछना पड़ेगा। एंड हम ही थोड़ा आगे जा रहे हैं देखने के लिए अगर हमें आगे कोई और बढ़िया सा कैंपिंग प्लेस मिल पाए तो। मुझे वो एक बंदा आता दिख रहा है, उससे पूछता हूँ कि क्या कैंपिंग के लिए ये जगह सेफ है, पर पहले बात तक जाना पड़ेगा ये वाला पानी क्रॉस करके। बट इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटा सा है, मैं आराम से कर लूँगा। हो गया, चलो पूछते हैं, शायद वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे हमें। वैसा यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, ऐसे सेफ है जगह? कोई जानवर वगैरह तो नहीं आते? पक्की बात है? हाँ, इसमें हमारे भी कुछ लोग रहते हैं। हम, अच्छा, आप लोग इधर ही रहते हैं? हाँ, इसमें डेरे रहते हैं, ये देखो हमारा माल भी इसी होकर। ठीक है, यहाँ पे आप रहते हैं? ठीक है, गांव, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम कहीं पे भी कर सकते हैं? कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई जानवर नहीं आता, भालू वगैरह कुछ कुछ भी नहीं? चलो फिर ठीक है, थैंक यू। कहाँ से हो भाई? हम पंजाब से आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो द गुड न्यूज इज, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे किसी भी जानवर का खतरा नहीं है। ये भाई साहब जो अभी यहाँ से गए हैं, जिन्होंने से मैंने पूछा है, तो इनका घर यही पे, जो फेंसिस लगी हुई ना, ये वाली कहाँ गई फेंसिस, वो वाली, ये सब तो इनके पास इनका गांव है, तो ये यही पे रहते हैं। तो बोले कोई जानवर का खतरा नहीं है, हम भी यही रहते। सो ये इतना बड़ा खुला एरिया, कहीं पे भी हम कैंप कर सकते हैं, मतलब आलो वैली में, सॉरी आरो वैली में, यहाँ पे कैंपिंग के लिए खतरा नहीं है, कहीं पे भी कर ले। तो हम इसी जगह पे यहाँ पे खड़े हैं, यहीं पे देते हैं, क्योंकि नदी भी बहती है, तो पानी वानी भर लेंगे कपड़े धोने के लिए, सॉरी कपड़े कहाँ से आ गए बीच में, खाना खाने के लिए, बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और पीना भी हो तो लो, उबालो और पी लो। तो अब ये गुड न्यूज उनको देता हूँ मैं, जो वहां पर इतनी दूर खड़े हैं। वो आया, डर क्यों रहा? ये देख, इधर पत्थर पे पांव रख, इधर इधर फिर इधर। मारियो गेम नहीं खेली कभी? बस वही चीज है। आया आया, तो ये वाटर प्रूफ पहन के आने थे ना, बोला था मैंने, मैंने अभी बात करी इसको एक बंदे से, इधर गया अभी, वो बोला कोई खतरा नहीं है कैंपिंग का, यहाँ कोई जानवर रहता, हम खुद यही रहते, देखो फेंसिस लगी है ना, वो बोला कि हम सब लोग यही रहते। वो देखो एक और आदमी आ रहा है इधर से, तो वो बोला कोई जानवर नहीं है, कोई ओ जे प्रभा, ओ इन शूट लियो यार, जा यार पड़ी, ओहो मुकल बेचारा पानी में गिर गया, मजा आ गया। ओ यार ये शूट क्यों नहीं हुआ यार, मम्मा तुम तो पता नहीं लगा जैसी यार, शूट मिस कर गए आप, चल कपड़े थोड़ी लिपड़ी होता, हाँ चेंज कर ला। यही ये कैंपिंग के निशान होते हैं, ये देखो, ये लोग एक्चुअली में ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब बारिश हो ना, अगर पानी आए बहता है, जब पानी ऊपर से नीचे आता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ नहीं आता, इन बाढ़ में से बह के आगे चला जाता है। तो ये देखो आग भी लगाई हुई लोगों ने, यहाँ भी, तो पूरा कैंपिंग एरिया है, हर जगह ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो अभी मुकल बेचारा पानी में गिर गया, अफसोस की वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हम दोनों आपस में बना रहे थे तब व्लॉग में जैसी। तो अभी इसके पहले कपड़े चेंज करेंगे, पहले कैंप लगाएंगे सबसे पहले, फिर कैंप में जाके ये कपड़े चेंज करेगा अपने। तो आरू वैली के एंड पे जाके ये एक गवर्नमेंट का होटल आता है, और यहाँ पे बहुत सुंदर पार्क भी है, तो आप चाहे यहाँ पे भी घूम सकते हैं। बट हमारा मिशन इससे आगे जाने का है, सिर्फ इन फेंसिस से आगे जाने का, क्योंकि वहां पर हमारा स्पॉट है, यहाँ पर हम अपनी कैंपिंग करेंगे। सो काफी मेहनत करके ये पत्थर आप देख रहे हो मैंने उठाए हैं, इधर करें सारे, क्योंकि यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे हम आगे वहां पर अपने कैंपिंग स्पॉट के पास। तो रख, अभी मैं दिखा, आराम से आराम ना, बहुत जगह वा, कट कट कट, आंदे 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 भाई, आराम से आ गई है, तो चाट दे चाट दे, ओए राम नहीं आ गई चल
अब ले जाके गाड़ी आ रहे हैं हम चल के। मुकल थर 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 कांप रहा है, गीला हो गया बेचारा यार। बहुत पछतावा हो रहा है कि तुम गिरे और हम शूट नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा दिल से पछतावा है यार। मेरा कंटेंट मिस हो गया था, उसको चोट लगी कि नहीं लगी, चोट लगी होती मुझे पता चल जाता। पर देख यार मेरा मेरा कंटेंट तो मिस हो गया ना, तो पानी में गिरा, मैंने शूट भी नहीं किया, फायदा क्या वो तो भाई बड़ी मुश्किल से इतना सामान लेके आए, एक बार में अभी और लाना है। तो यहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे थोड़ा साफ करके जगह को। एंड गुड न्यूज, एक और कैंपर वहाँ पे है, एक नहीं मतलब पूरा ग्रुप है वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं वो, तो वो वहाँ करे कैंपिंग, हम यही कहीं अराउंड करेंगे यहाँ पे अच्छी सी जगह देख के। गाइस फिर से हमें बहुत अंधेरा हो गया, अच्छा स्पॉट ढूंढते ढूंढते और गाड़ी अपने बिल्कुल पास लाते लाते, तो अभी लाइट जगह देखते हैं जगह लगे कैंपिंग स्टार्ट हम कर पाते हैं लाइट में कि नहीं, या फिर बिना टाइम लेस लगाया हमें करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारा सेटअप हो चुका है टेंट, तो थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा है, जैसी अभी थोड़ा सा इंतजाम बना रहा है, हो जाएगा तो आपको अच्छे से दिखाते हैं। उतना टाइम यहाँ पर हमारी तो आज हम बनाएंगे चावल सब्जियों वाले, गोभी है, शिमला मिर्च है, आलू प्याज है, सब कुछ ऐड कर कर अच्छे से चावल बनाएंगे। और हमारा शेफ संजू जी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे बने हैं जी पुलाव, पहले हम सब्जियों को करेंगे हाफ फ्राई, नहीं हाफ फ्राई नहीं तड़का ही लगाएंगे, तड़का ही लगाएंगे भाई, इतना इतना रफा है ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर को हो रहा है, और मैंने एक गिलास के हिसाब से रिफाइन डाला था, तुम लोगों ने कम करवा दिया, आधे से थोड़ा ज्यादा करा लिया। अब झोल सही है, वैसे भी जितनी हमने सब्जियां डाली है ना आपने, ये देखो इसके लिए इतना लग रही है बस बस। हो गए आलू और प्याज, तो भाई चावल का तड़का हमारा रेडी हो चुका है, अभी चावल डाल के पानी डाल के इसे कुक करेंगे और हमारे चावल हो जाएंगे रेडी। तो भाई हमारे चावल बस ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट जूट के बोरों में अभी लग जाएंगे 15-20 मिनट, और अभी इसके बाद हमने कॉफ़ी पीनी है इसलिए कॉफ़ी का सामान भी निकाल लिया है, और अभी हमने कुछ भी अंदर नहीं रखा, सब बाहर पड़ा है, यहाँ तक कि आदमी भी बाहर है दोनों ये, और कैंप हमारा वो रहा। हेलो ईट ईट और ये मैं लाइट बल्ब ही दो मुझे एक यूएसबी वाला बल्ब। तो ये रहा अपना कैंप दोस्तों, और अभी डेकोरेशन जस्सी ने कर दी है, और हम अभी यहाँ पे जो है सोएंगे और आपको सुबह दिखाएंगे। यहाँ पे नदी बह रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ध्यान से सुनिए, सुनी ना। तो ये एक्चुअली मैं नदी नहीं, छोटा सा आप छोटी नदी कह लो, क्योंकि बड़ी नदी के पास कभी बेवकूफ़ी मत करना कैंप करने की, क्योंकि रात को अगर पानी का लेवल ज़्यादा हो गया ना तो पता नहीं चलेगा। तो ये वाली नदी नहीं है एक्चुअली, मैं छोटा सा एक नाला ही कह लो, आप जितना अभी दिखाई नहीं देगा सुबह आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो हम बस कैंप में लगाए, हमें सोएंगे अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद, पहले खा पी ले। तो अभी थोड़ा बल्ब जगाए यूएसबी के साथ, इसके साथ लाइटिंग कर रहा हूँ। तो ये हमारा कैंप है, और ये छोटा सा नाला नदी अब कह लो पानी बहता है, सिर्फ छोटा सा ही है इतना, उधर ख़त्म है बस जाके। और यहाँ पे हमारा टेबल और खाना बन रहा है, और ये जहाँ बैठे कहते बाहर ही खाना है, मैंने कहा अंदर खाते कैंप के मज़ा आएगा, ये बोले नहीं। तो एक काम करते हैं, चावल बाहर खा लेते, कॉफ़ी अंदर बैठ के पियेंगे कैंप के, क्योंकि कैंप के अंदर एक बार भी हमने बैठ के कुछ खाया पिया नहीं है इसलिए। ठीक है ठीक है, मैं फिर ठीक है कैंप, और अभी यहाँ पे हम खाएंगे। तो लो भाई अपने चावल हो गए हैं रेडी, खुशबू आई कैसी है, सिर्फ हमें आ सकती है तो वो आप लोगों तक तो नहीं जाएगी, पर आप लोग इसको देखकर थोड़ा सा बहुत ही जल सकते हैं जैसे चावल जल रहे हैं, बंद कर दे हम बंद कर दे चल जाएगी वाला। तो चलो भाई चावल रेडी है अपने, फिर भी मैं एक बार करछी से थोड़ा चेक कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा पानी चेक कर ले है कि नहीं, पानी नहीं है, पानी चावल हमारे बन गए हैं, कोई पानी नहीं है, थोड़ा बहुत है पानी, नहीं है पानी अभी थोड़ा बहुत, ये नहीं हो गया, हो गया बंद कर दिया जाए। तो भाई हम लोग कैंप के अंदर बैठ के अभी अपना डिनर एंजॉय करने वाले हैं, जो कि है राइस पुलाव कह सकते हैं आप इसे। तो बहुत ही मज़ा, अंदर हमने बल्ब लगा लिया है ऊपर, और अंदर फुल रोशनी है, एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर मील हियर। हेलो, ये रहा हमारा छोटा सा बल्ब, और नीचे हम कैंप के अंदर बैठ के खाने वाले हैं, तो मुकल सर्व करेगा हम सबको। चल क्यों यार, बोर्ड खोलने पड़े यार,
ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲਨੇ ਪੈਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਹੇਅਰ ਸੰਜੂ ਸਭੀ ਕੇ ਲੀਏ ਚਾਵਲ ਡਾਲੇਗਾ ਪਲੇਟਸ ਮੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਖਾਏਗੀ ਸਭੀ ਉਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਡਾਲੂ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਲੋ ਜੀ ਚਾਵਲ ਹਮਾਰੇ ਬਣ ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਭਾਈ ਹਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਆ ਟੈਂਟ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਮੇ ਐਸੇ ਮਕਰ ਬਤਾਓ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਹਰ और ये हम खोलेंगे इसलिए बाहर कटे ये हम खोलेंगे दही ये हम खोलेंगे दही और उम्मीद है कि दही की लस्सी ना बनी हो क्योंकि हमने कल रात से दही खरीदा लस्सी है तो इसके साथ हर चीज लस्सी हो जाती है तो कोई बात नहीं लस्सी नहीं अच्छा दही है दही थोड़े सा खटास लग रही है पर एक इतनी जल्दी खराब नहीं होता जब तक खुलती नहीं पैकिंग ना सो ये रहे मेरे पुलाव एंड दही सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं सो भाई कैंप के अंदर बैठ के आप खुद खाना बना के खाने की इसे जंगलों के बीच में फीलिंग अलग होती है जो जिसने कैंपिंग करी है उसे पता होगा तो बहुत एंजॉय होता है बहुत मजा आता है हमें भी बहुत आ रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अभी मैं खाने वाला हूँ अपने पुलाव सो भाई इस व्लॉग को ये एंड करने का टाइम आ गया है क्योंकि अभी हमें डाटा भी कॉपी करना है खाना खा के बहुत सामान से मेरे बाल चपड़ा है फिर सो जाएंगे सो भाई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और नए ब्लॉग के लिए वेट करना तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक टेक केयर एंड गुड बाय हाय मैं संजू मेरा सीक्रेट है मैजिक पेन